गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा ही वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड, कौन है ओरिजिनल। मतलब बॉलीवुड और साउथ इंडियन इंडस्ट्री में, मतलब टॉलीवुड जिसको बोला जाता है, कौन है ओरिजिनल, ये तो सबको पता है, लेकिन देखते हैं इसके बारे में पहले वीडियो, उसी में सही से मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बिना किसी देरी के देखते हैं फैक्ट भाई का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सल्लू भाई, जिन्हें बॉलीवुड का करता धरता माना जाता है, उनके करियर की डूबती नैया को टॉलीवुड के प्रिंस महेश बाबू ने बचाया था। जी हाँ, पर इस प्रेम की नैया के खिवैया प्रिंस महेश बाबू की बात निकले और बॉलीवुड में क्वीन मूवी से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली कंगना रनौत का नाम हम भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमेशा नेपोटिज्म के नाम पर बॉलीवुड को लताड़ने वाली कंगना साउथ के नेपोटिज्म को खुद जस्टिफाई करती हैं। पर क्यों? वेल, बिना क्लाइमैक्स के मूवी का दी एंड कभी देखा है? नहीं ना? तो थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि इस पिक्चर में एंट्री होने वाली है उस सवाल की जिसके बारे में आज हर कोई सोचता है कि आखिर बाहुबली, मक्खी, अर्जुन रेड्डी और लेटेस्ट पुष्पा द राइज जैसी मूवी से मेन स्ट्रीम हो चुके टॉलीवुड और हमारे बॉलीवुड के बीच में कौन ज्यादा रईस है। अगर आपको जानना है इन सारे सवालों का जवाब, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल्ड बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड। ये तो हम सबको पता है कि भारत में दो चीजें चलती हैं, एक लोगों के सीने में बसा सिनेमा और दूसरा क्रिकेट। ये बात है, ये बात जैसा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड की। अब मुझे आपको ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और टॉलीवुड यानी तेलुगु, पर जो बात बताने वाली है वो ये है कि दोनों ही इंडस्ट्रीज हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हैं। तभी तो हॉलीवुड का ऐश निकाल कर एक ने उसे बॉलीवुड बना लिया और दूसरे ने टॉलीवुड। लेकिन ये तो थी इनके नाम की कहानी। अगर बात करें इनके आगाज की, तो बॉलीवुड ने सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री साल 1913 में तब मारी थी जब फिल्मों में ना तो रंग थे ना ही कोई डायलॉग। और फिर भी बॉलीवुड की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के ने बनाया था, उन्होंने लोगों के दिलों को छू लिया था। उसी तरह टॉलीवुड की पहली मूवी 1932 में फुल साउंड फिल्म भक्त प्रहलाद थी, जिसे फादर ऑफ तेलुगु सिनेमा H.M. रेड्डी ने बनाया था। अब इतिहास को हमने जान लिया, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीन पर और जानते हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड की इंडस्ट्री कैसे बढ़ी। वो दौर कौन ही बुला सकता है जब बॉलीवुड इंडिया के लिए नेशनल आइडेंटिटी बन गया था। हाँ, यानी उसका नाम लेने से ही लोगों को पता चल जाता था कि आप किस देश से हो। और बॉलीवुड को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल था मदर इंडिया फिल्म का, जिसने इंडिपेंडेंट इंडिया के लोगों में नेशनलिज्म की भावना फैलाई थी, जिसके बाद बॉलीवुड का इम्पैक्ट लोगों पर इतना बड़ा था कि जो डायलॉग हीरो बोल दे वो लोगों के लिए नया स्लैंग बन जाता था। और जो कपड़े बॉलीवुड हीरोइन एक बार पहन ले वो फैशन ट्रेंड। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माधुरी दीक्षित की फेमस हम आपके हैं कौन की पर्पल साड़ी। यही नहीं, आज शादियों में संगीत, डांस, जूते छुपाना, ये सब भी इसी मूवी की देन है। और 2010 में आई चुलबुल पांडे की दबंग का क्रेज कौन भूल सकता है, जब जहाँ देखो वहाँ लोग सलमान खान की तरह शर्ट के पीछे गॉगल लगाकर बेल्ट पकड़कर हुण हुण दबंग दबंग पर डांस करते हैं। श्रीवल्ली को पकड़ा हुआ आजकल वाकई श्रीवल्ली पकड़ा गाना। सिर्फ ट्रेंड तक नहीं, बॉलीवुड का क्रेज बॉक्स ऑफिस पर भी नजर आता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म दंगल, जिसने पूरे 2024 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन अब ये दीवानगी पहले जैसी नहीं रही और इसकी वजह कोई और नहीं, टॉलीवुड का राइज है। क्योंकि लोग अब बॉलीवुड के स्टाइल ट्रेंड्स को पहले जैसे फॉलो नहीं करते। इसके कई सारे रीजन हैं और इसका वन ऑफ द मेन रीजन है रीजनल सिनेमा को नेशनली रिकॉग्निशन मिलना। पिछले कुछ वक्त से देखें तो रीजनल सिनेमा भारत के लोगों के दिलों में राज कर रहा है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट टेलीविजन और OTT प्लेटफॉर्म को जाता है। और जिस अमाउंट में रीजनल स्पेशली साउथ की मूवीज प्ले हो रही है, साउथ में ज्यादा ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म PwC's ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया आउटलुक 2020-24 के हिसाब से इंडिया करेंटली वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग OTT मार्केट है। और जब से रीजनल सिनेमा के लिए डिमांड बढ़ी है, OTT प्लेटफॉर्म इस पर कैश इन कर रहे हैं। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मिन्नल मुरली, जो दिसंबर के मंथ में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में इंग्लिश फिल्म के लिस्ट में थी। और तेलुगु मूवी RRR को नेटफ्लिक्स
स्पेनिश, पोर्तुगीज और कोरियन भाषा में डब करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने वाला है। ऐसे ही बाकी फॉरेन ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार रिलीज करने का फैसला लिया है। इसलिए अगर ये आंकड़ा बढ़ता दिखे तो हैरान मत होना। दूसरी, टेलीविजन। नवंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक यानी 860 आवर्स ऑफ रन टाइम स्मॉल स्क्रीन ऑडियंस साउथ फिल्म को टेलीविजन पर कंज्यूम कर रही थी। इन मूवीज का इतना क्रेज बढ़ चुका है कि अब ऑलमोस्ट हर घर में साउथ की डब मूवी प्ले होती है। पर इसकी वजह क्या है? तो इसका बहुत बड़ा रीजन है, साउथ की फिल्म ज्यादातर एक्शन, कॉमेडी या फैमिली ओरिएंटेड होती है, जिसे जनरल इंडियन ऑडियंस देखना पसंद करती है और ये फैमिली के साथ बैठ के मूवी लैक करती है। इसलिए साउथ मूवीज का क्रेज बढ़ रहा है। इस क्रेज की सबसे पहली वजह है साउथ मूवीज की ओरिजिनलिटी, क्योंकि आज हर बॉलीवुड मूवी किसी न किसी टॉलीवुड का रीमेक है। रेडी, बॉडीगार्ड, अक्षय कुमार की राउडी राठौर, भूल भुलैया, गब्बर इज बैक और रहने देते हैं इनकी लिस्ट पर ये सभी फिल्म तो साउथ की रीमेक है और इसका चलन अभी से नहीं, बहुत पहले से है। साउथ की मूवी के रीमेक का चलन बॉलीवुड में एग्जैक्टली कब चालू हुआ ये तो शायद इसे रीमेक करने वाले ही बता सकते हैं, पर जितना हमें पता चला है, दिलीप कुमार स्टारर 1967 की राम और श्याम, 1964 की तेलुगु मूवी रमूडू भीमूडू की रीमेक थी और शायद यहां से रीमेक का चलन शुरू हुआ। वहीं बॉलीवुड के टॉलीवुड में हुए रीमेक की बात करें तो वहाँ बहुत कम हिंदी फिल्म रीमेक होती हैं। पूरे इंडिया में आज लोग साउथ की मूवीज को उसकी राइटिंग, फ्रेश कंटेंट के लिए पसंद करते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श। फाइनली हमारी सोई हुई जनता बॉलीवुड के जाल से निकलकर साउथ सिनेमा के कंटेंट, उनके आर्ट और उनकी स्टोरी टेलिंग से रूबरू हो रही है, क्योंकि उनके मुताबिक कंटेंट स्ट्रांग होगा तो लोग मूवी देखेंगे, पर अगर कंटेंट वीक हो तो वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री का क्यों ना हो, लोग नहीं देखेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मैटर करता है, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा करोड़पति है। हाँ। अब ये तो हम सब जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहा जाता है। साल 2017 में इंडियन सिनेमा ने रफली 2000 फीचर फिल्म प्रोड्यूस की थी। उसी साल बॉलीवुड ने पूरे 300 हिंदी फिल्म सुनाई थी। इसका रीजन है बॉलीवुड के पास बहुत बड़ी ऑडियंस है और उनकी मूवी सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी चलती है, जिसका एग्जाम्पल हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना जैसे देशों में देख सकते हैं। इसकी तुलना में रीजनल सिनेमा को हार्डली मेनस्ट्रीम थिएटर में रिलीज मिलता है, क्योंकि आधे से ज्यादा थिएटर में बॉलीवुड मूवीज प्ले हो रही होती हैं, जिसका एक मेजर रीजन है रीजनल मूवी कितनी भी अच्छी हो उसका बॉलीवुड मूवी की तरह प्रमोशन नहीं होता है। मूवीज के पास वो स्केल या बजट होता है जो बॉलीवुड मूवीज को टक्कर दे सके, पर जब क्वालिटी सिनेमा की बात तब बॉलीवुड यूनिक कंटेंट के मामले में इनसे काफी पीछे है, क्योंकि बॉलीवुड इन्हीं की मूवीज को डब करके डबल पैसा कमाता है। पर अब जनता ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो ओरिजिनल को सपोर्ट करेगी, इसीलिए तो जब स्टोरी ओरिजिनल और तगड़े बजट पर आई तो वो बाहुबली कहलाई। अपने बॉक्स ऑफिस पे पूरे 1,810 करोड़, जो अब तक की वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म है, उसे तक हरा कर ये बताता है कि अगर हम रीजनल सिनेमा को अप्रिशिएट करें तो वो कितना बड़ा हो सकता है। पर बॉक्स ऑफिस के अलावा अब जरा हम बात कर लेते हैं उस वर्ड की जिसने तैमूर को भी पॉपुलैरिटी के मामले में पीछे छोड़ दिया, नेपोटिज्म। नाम तो सुना ही होगा। स्ट्रगल वाली ये शब्द बॉलीवुड से ऐसे चिपक गया है कि जब भी कोई नेपोटिज्म बोलता है बॉलीवुड याद आ जाता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है टॉलीवुड में भी नेपोटिज्म है, फिर उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा जाता? वेल, जैसे बॉलीवुड में अनन्या पांडे, सारा अली खान, अर्जुन कपूर जैसे स्टार किड्स हैं, वैसे ही टॉलीवुड में स्टार किड्स नहीं बल्कि स्टार फैमिलीज हैं, जैसे मेगा स्टार फैमिली, अक्कीनेनी फैमिली, डग्गुबती फैमिली वगैरह वगैरह। यानी ये एक एंडलेस लिस्ट है और जिस तरह बॉलीवुड में खान और कपूर डोमिनेट करते हैं वैसे ही टॉलीवुड में ये बड़ी फैमिलीज दशकों से रूल कर रही हैं, तो वहाँ कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? तो जब से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है लोगों को बॉलीवुड स्पेशली स्टार किड्स पर जमकर गुस्सा बरसा रहा है। ये बात है वाकई बॉलीवुड आउटसाइडर्स को फेयर ट्रीटमेंट नहीं देता है। यहाँ तक कि एनडीटीवी के एक आर्टिकल में कहा गया है कि आउटसाइडर को स्टार किड्स से दोगुना मेहनत करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आग में घी डालने का काम स्टार किड्स ने अपने इन स्टेटमेंट से कर दिया, जैसे कि अनन्या पांडे जिन्होंने अपने डैड की कॉफी विद करण में जाने का दर्द सुनाया, और जिन्हें लगता है कि नेपोटिज्म ओवररेटेड है। पर ये तो बात हो गई बॉलीवुड की, अब जरा साउथ का हाल जान ले, जिसका जवाब दिया उन्होंने जिन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म वर्ड को फेमस किया। सही समझे, कंगना रनौत। उन्होंने खुद साउथ के नेपोटिज्म पर ये कहा कि साउथ फिल्म में नेपोटिज्म है पर वहाँ ग्रुपिज्म और गैंगिज्म नहीं है। देयर मे बी नेपोटिज्म बट देयर इज नो ग्रुपिज्म, नो बुलिंग, टारगेटिंग, हैरेसमेंट ऑफ आउटसाइडर्स।
अब आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? और वो सही हो ना हो, लेकिन इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में सिर्फ यही बुराई नहीं है, इनका हमारे समाज पर भी असर होता है। जैसे कि क्रश मूवी को देख के बहुत बच्चों को लगता था कि वो भी सुपर हीरो हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि पटना में एक बच्चे ने क्रश मूवी को देख 5वें माले से छलांग लगा दी और उसे आईसीयू में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के गानों में जिस तरह से लड़कियों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बहुत गलत होता है। जैसे कि फेविकोल से गाने में एक लाइन है जो कहती है, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकले सैया अल्कोहल से। क्या आपको लगता है कि तंदूरी मुर्गी रियली? सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, यहाँ स्टॉकिंग्स को भी नॉर्मलाइज किया जाता है। हमारी मूवीज में हीरो दिन रात हीरोइन को प्यार के नाम पर स्टॉक करता है, यानी एंटरटेनमेंट के नाम पर। इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में समाज पर पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और इन दोनों को ही समझने की जरूरत है कि आज लोग मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं देखते, मूवी में सोशल पॉलिटिकल मैसेज भी होते हैं, और जो भी हम देखते हैं उसका हमारी मेंटेलिटी पर भी असर होता है। सो ये सब एंटरटेनमेंट के नाम पर बंद होना चाहिए। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सोसाइटी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि हमें इन्हें रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार जिस तरह ये बात हमने आज पूरी प्रॉपर देखा, मतलब साउथ की पहले मूवीज तब नहीं होती थी, वो रीजनल सिनेमा कहती थी, और मतलब वो सिर्फ पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में नहीं होती थी। तभी तो तेलुगु बाद में कहीं डब सालों बाद आता था, उसका डब वर्जन आता था और लोग देखते थे डब कहीं में। और यार मैं वैसे एक बात बोलूं, देखो जिस तरह बॉलीवुड है यार, बॉलीवुड ने इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी मूवीज दी है, इतनी अच्छी मूवी थी ये, लेकिन कुछ टाइम हुआ है, मतलब 8 से 10 साल कह लो, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, उसके बाद तो लोगों को थोड़ा मतलब वो गुस्सा कुछ ज्यादा हो गया। बिल्कुल। और यार उसके बाद हमें मतलब एक यार गैस, आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी, रिमेक बहुत ज्यादा है, रिमेक भी है बॉलीवुड में। और दूसरी बात ये कि उनके पास आजकल एक ही टाइटल रह गया, मतलब मूवीज जो मतलब अक्सर वो देशभक्ति वाली मूवीज वो बहुत ही ज्यादा आ रही है। लोग अच्छा, कहते नहीं, वो हम नहीं कहते कि ना है, लेकिन भाई लोग कहते हैं एक तरह की वीडियोस देख देख के ना लोग मतलब मूवीज, तो लोग भाग जाते हैं। देशभक्ति वाली मूवीज चलो अच्छा इतिहास दिखाते हैं जो कुछ भी है वो चलो अच्छी एक लिहाज से अच्छी बात है। देखो कुछ मूवीज को निकाल कर तुम सारी मूवीज देख लो, टॉलीवुड की ज्यादातर रिमेक है, जर्सी की रिमेक आ रही है, जर्सी का आ रहा है, मतलब अभी अल्लू अर्जुन की मूवी आ रही थी लेकिन शहजादा आ रही थी तो वो भी रिलीज नहीं हुई, तो मतलब तुम इस बात से आईडी लगा लो। दूसरी बात मैं ये है कि मतलब एक जैसा टॉपिक इंडियन ऑडियंस देख देख कर ना, हॉलीवुड की बॉलीवुड की एक जैसी स्टोरीज देखकर, मतलब मिसालें देखकर पक गई, वो ओरिजिनल स्टोरी देखना चाहते हैं। देखिए पुष्पा तो मैं कहता हूँ उसने धमाके आग लगा दी है इसमें, कोई शक नहीं है। मतलब ऐसी मूवी है कि लोग मतलब देख एक बार कोई जो मूवी देखता है वो वाव किए बगैर मुंह से उसका नहीं जा सकता, कि मतलब ये क्या मूवी है। मतलब इसी तरह टॉलीवुड जो है मतलब साउथ इंडियन इंडस्ट्री वो डोमिनेट करती जा रही है, क्योंकि अब वो रीजनल के अलावा पूरे नेशनल लेवल पे लॉन्च हो रही है। तो यार और हम ये नहीं कहते कि यार बॉलीवुड बहुत बुरा है या टॉलीवुड बहुत अच्छा, बॉलीवुड को थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी और फिर अपनी उस पीक पे जा सकता है। ओरिजिनल जो अगर देखो जो दिल को स्टोरी पसंद आए ना, मतलब जो दिल को भाई बात नहीं है कि भाई बॉलीवुड में राइटर्स नहीं है, राइटर्स हैं बहुत अच्छे हैं, उठाओ मतलब है ना मूवी। अब पता नहीं क्या सीन है यार, मैं अब इस पे हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। गाइस आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।